हाय दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन। तो आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर। तो जैसा कि आपको पता है कि मुझे टेक्नोलॉजी का बहुत शौक है, लेकिन आज की मेरी वीडियो सीसीटीवी कैमरे के रिलेटेड नहीं है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ड्राई फॉग। एक मटका आता है जिसमें कि धुआं निकलता है। तो बेसिकली ये मटका मैंने देखा था एक शादी पार्टी में, जहाँ पे पूरा जमीन पे धुआं धुआं, डीजे के यहाँ पे धुआं चल रहा था। सो अब एक नया इवेंट मुझे ऑर्गेनाइज करना है, सो मैंने सोचा कि मटका कहाँ से मिलेगा, तो मैं आ गया हूँ। लेकिन यहाँ पे आके जब मैंने देखा कैसे यूज होता है इसको, जब मैंने एक प्रैक्टिकल रूप से देखा, तो मुझे चला पता काफी इंटरेस्टिंग आइटम है और काफी लोग इसे सर्च करते होंगे, काफी लोग इसको बाय करने की सोचते होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ इसके बारे में जानकारी आपके लिए कि ड्राई फॉग पॉट क्या होता है, किस टाइप का होता है, इसके अंदर क्या क्या एक्सेसरीज आती है, कैसे इसका यूज होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम सिर्फ ड्राई आइस पोर्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम ऐसी और भी जो एक्सेसरीज आती हैं और भी जो इवेंट में यूज होती हैं उनके सब आइटम के बारे में बात करूंगा। लेकिन आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। वैसे तो मैं इसका यूज कर चुका हूं, कैसे यूज किया है, कैसे इसकी डेमो ले चुका हूं, लेकिन फिर भी आपके लिए बता दूं कि एक बॉक्स है जिसे नॉर्मली मटके का बॉक्स है, इसमें क्या क्या निकलता है। एक निकलता है इसका स्टैंड, एक ये निकलता है ड्राई आइस पोर्ट। पोर्ट में क्या क्या होता है एक बार इसको अनबॉक्स दिखाता हूँ करके। दोस्तों, ये इसकी पावर केबल है। तो जैसा आप देख रहे हैं, इसके अंदर हीटर वाला जो एक एलिमेंट होता है वो लगा रखा है। ये बेसिकली काम क्या करता है, ये पानी को गर्म करता है। इससे क्या होता है कि जब भी पानी गर्म हो जाएगा तो एक ड्राई आइस आती है, जो आपको पता हो केमिकल की बर्फ होती है, लेकिन जैसे ही वो इसके अंदर जाती है वैसे ही इसमें से धुआं निकलता है। तो आज हम उसकी डेमो भी देखने वाले हैं कि किस टाइप से धुआं निकलता है और कैसे ये वर्क करता है। तो आज हम इसमें पानी डाल के आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हैं कि धुआं किस टाइप से आता है। तो एक बार पानी लेके आते हैं। तो दोस्तों, ये हमें लगाना है पावर प्लग में, जिससे कि इसका हीटर काम करता है। अभी पावर प्लग ऑन नहीं किया, उससे पहले हमें इसमें पानी डालना पड़ेगा। तो चलते हैं, पहले इसमें वाटर को डालते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये सिंपली वाटर है, कोई भी केमिकल नहीं है। तो सिंपली यहाँ पानी आपने इसमें इंसर्ट करना है। तो अभी आपको टेस्टिंग के लिए दिखा रहा हूँ, इसमें मैं तकरीबन 4 से 5 लीटर पानी डाला है। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है अंदर जो एलिमेंट है वो पानी में पूरा डिप होना चाहिए। तो पानी थोड़ा कम था, इसमें थोड़ा सा पानी और हम ऐड ऑन कर देते हैं ताकि हमारा एलिमेंट पूरा का पूरा डिप हो जाए। तो अब जैसा आपको दिख रहा है मेरा एलिमेंट पूरा डिप है। अब इसका पावर प्लग मैं ऑन कर देता हूँ और इसको पानी को गर्म होने देते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या आइटम्स हैं इवेंट को रिलेटेड। दोस्तों, आपको जो ब्राउन डब्बे दिख रहे हैं इस पे कोल्ड अनार पायरो कहते हैं इसे, इसको चलाने के स्टैंड है। ये स्टैंड 4 चैनल, 8 चैनल, 16 चैनल, 50 चैनल तक के चैनल आते हैं। चैनल कैसे होते हैं आपको दिखा दूं। इस टाइप के स्टैंड निकलते हैं इसके अंदर, जो कि रिमोट से ऑपरेट होते हैं। ये होता है कोल्ड पायरो। ये जब भी कोई फंक्शन होता है तो एक अनार टाइप का जलता है। ये ठंडे अनार होते हैं जिसमें आग लगने का डर नहीं होता नॉर्मली। तो ये बेसिकली इसके अंदर ऐसे इंसर्ट होते हैं, इसकी वायर यहाँ पे कनेक्ट होती है और ये रिमोटली ऑपरेट होते हैं। चाहे पार्टी चार अनार लगा रही है, 8 अनार लगा रही है, 50 अनार तक इनका पे सीरीज है जो लगाने वाली है। इसके बाद चलते हैं अगले आइटम पे। तो ये तो इनके ड्राई आइस पॉट ही हो गए जो आपकी डेमो दिखा रहा हूँ मैं। इसकी बात करें तो ये हो गया इनका वॉकी टॉकी। तो बेसिकली ओकेशन पे जो वॉकी टॉकी यूज होते हैं वो इस टाइप के वॉकी टॉकी यूज होते हैं। सो अगर बात करें इसकी, तो एक फायर फ्लेम मशीन है। फायर फ्लेम मशीन किस किस काम, ये सारे चीजें किस किस काम आती है उसकी वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। अभी क्या क्या आइटम्स है मैं आपको वो बताता हूँ। तो गाइस, इसकी बात करें, 3-in-1 गन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फ्लावर मशीन हो गई, ये सोइंग मशीन हो गई। तो गाइस, ये वाली आइटम की बात करें, डीजे स्मोक हो गई। इसके बाद ये वाली मशीन है इनके पास, स्पार्कल मशीन से कहते हैं। तो और भी काफी सारी इनके पास वैरायटी मिलेंगी आपको, तो इन सब की वीडियो लेके जल्दी आऊंगा। गाइस, एक ये वाली गन दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये CO2 LED गन है, इसकी भी वीडियो जल्दी आएगी आपके पास। तो दोस्तों, ये आप मटके क्वालिटी देख रहे हैं, हैवी मटका है, स्टील की क्वालिटी काफी अच्छी लगा रखी है, पाउडर कोटिंग की हुई है, अंदर कैटल की जो एलिमेंट है कैटल का है, शॉक प्रूफ है। मतलब मैं अभी ये पावर ऑन है फिर भी ड्राई आइस जो है उसमें डालूंगा, इसको बंद नहीं करूंगा क्योंकि मुझे करंट का कोई डर नहीं है। तो एक बार ही दिखाता हूँ ड्राई आइस किस टाइप की होती है। ये बेसिकली ड्राई आइस है, ये ठंडी नहीं होती, गर्म होती है, एक शॉकिंग है आपके लिए, लेकिन ये हॉट बर्फ होती है, केमिकल से बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है। तो एक बारी इस बर्फ को लेके हम डालते हैं इसके अंदर और दिखाता हूँ उसका इफेक्ट क्या होता है।
दोस्तों आप देख रहे हैं धुआं देख रहे हैं किस हिसाब से धुआं हुआ है, पूरे रूम में धुआं फैल जाएगा। जिस लेवल का धुआं इस मटके में निकल रहा है आप एक बार देखिए किस टाइप से पूरा रूम मेरा धुआं धुआं हो गया। आज की डेट में इसके बिना अगर फंक्शन होते हैं या कोई भी इवेंट होता है वो अधूरा कहलाता है। जो ये थीम है काफ़ी इंटरेस्टिंग थीम है ये, तो आप देख रहे हैं मैं इस टाइम कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ, पूरे रूम में धुआं ही धुआं दिख रहा है मुझे। तो दोस्तों मैंने ये जो शूटिंग की है वो आपको दिखाने के लिए, कैमरे पे दिखाने के लिए ऊपर शूटिंग की है, इस वजह धुआं ऊपर गया, वरना का जो धुआं है वो जमीन पे रहता है, हमारे घोड़ों तक की हाइट पे रहता है। तो आप देख रहे हैं किस टाइप से ये जमीन की तरफ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आइटम है, मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा था, तभी मैं इसको लेने का इतना ज़्यादा मैंने इंटरेस्ट जताया और उसके लिए सर्चिंग की, और अभी भी मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ जब इसके मैं डेमो देखी है। सो देखिए किस टाइप से इसका धुआं निकलता है और लॉन्ग टाइम तक निकलता ही रहेगा, जब तक ये पानी चल रहा है, जब तक ये बर्फ़ पूरी ख़त्म नहीं होती तब तक ये धुआं निकलता ही रहेगा। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं हमने ज़मीन पर मटका रख दिया है और हम इसकी यहाँ पर डेमो लेने वाले हैं कि यहाँ पर कैसे वर्क करता है। हमने ऊपर से डेमो ली थी तो ये काफ़ी पानी का जो धुएँ का फ्लो है वो ऊपर की ओर था, अब हमने नीचे रखा है, ड्राई आईसी रखी है। जैसा आपको पता है ये शॉक प्रूफ है तो इसलिए मैं इसको चालू में ही इसमें ड्राई आइस डालने वाला हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं धुएं का फ्लो, डालते ही धुआं आ जाएगा और अब ये धुआं नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए आप कैसे धुआं निकल रहा है इसमें से, जिस टाइप से नीचे की ओर जाता है तो जमीन के लेवल पे टच रहता है धुआं और काफी दिखने में एक स्मार्ट लुक आती है, काफी अच्छा लगता है दिखने में। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि मैं यहाँ पे देख सकूँ क्वालिटी कैसी है, जिससे कि मैं सेटिस्फाइड हूँ कि क्वालिटी काफी अच्छी है, अच्छे प्राइस पे अच्छी चीज मिल रही है। तो अगर आप इसको बाय करने में इंटरेस्टेड हैं, आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, वेबसाइट लिखी हुई है, आप वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ बाय कोरियर अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप बाय हैंड कलेक्ट कर सकते हैं, नीचे एड्रेस भी शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर आप दिल्ली से बाहर हैं और किसी वजह से आप दिल्ली नहीं आ सकते तो आप इसको बाय कोरियर बाय शिपिंग अपने एरिया में मंगवा सकते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि कुछ लोग डरते हैं कि भाई पेमेंट करी तो पैसे कैसे सामान आएगा कि नहीं आएगा, सो उस वजह से हमने यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रखा हुआ है। लेकिन कैश ऑन डिलीवरी में हम 10% का एक टोकन मनी एडवांस लेते हैं। अब आप लोग कहेंगे टोकन मनी किस लिए, तो गाइस इसलिए होती है कि कैश ऑन डिलीवरी जो हम देते हैं एक तो वो कोरियर चार्जेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, दूसरा अगर आपने कोरियर रिसीव नहीं किया तो वो डबल साइड के चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं। सो पहले हम ये सिस्टम नहीं करते थे, पहले हम 100% कैश ऑन डिलीवरी रखते थे, लेकिन जब हमारे पार्सल रिटर्न आने लगे, किसी ने ऑर्डर तो कर दिया लेकिन उसने पिक नहीं किया, तो उसके थ्रू हमारे जो पैसे हैं वो अकाउंट से कट जाते थे। सो अब 10% का हम टोकन ही लेते हैं तो 10% देने में कोई भी दिक्कत नहीं है। सपोज कीजिए आपने एक मटका लेना है या दो मटके लेने हैं, 10 मटके लेने हैं, अगर आपने 10,000 का ऑर्डर भी किया और आपको सिर्फ 1,000 रुपये टोकन मनी देनी है, बाकी 9,000 आप वहाँ पे करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। बाकी नीचे वेबसाइट पे हमारी सारी डिटेल लिखी हुई है, वेबसाइट पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन पे नंबर पे कॉल करके या फिर साथ ही साथ नीचे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप हमें इसके बारे में जो भी जानकारी पूछनी है पूछ सकते हैं, आपको सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब का आइकन है वहां पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जब भी फ्यूचर में नई वीडियो आए उसकी अपडेट मिल सके। कोई भी चार्जेस नहीं है कि सब्सक्राइब करने के, फ्री होता है, बस फायदा ये होगा कि जब भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोड हुई है। इस आइटम की गारंटी भी है 2 साल की, अगर 2 साल में कभी ये काम करना बंद कर देता है तो आपके इसके लिए आपको रिपेयर होके पूरा मिलेगा, रिप्लेस हो जाएगा, जो भी इश्यू होगा वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो कोई भी लोकल चीज नहीं है, कोई भी मेड इन चाइना चीज नहीं है, फिनिशिंग काफी अच्छी है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी कमेंट आपको कुछ मन में सवाल रह गया है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर तो आपको आ ही गया जहाँ पे आप बाकी इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।
दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेस द सब्सक्राइब आइकन और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन नई और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।